ब्राह्म नमः अवेहे प्रलरणम् मे अस्तु दशवीर सर्वगणगो स्वस्ताय। भारतर बंधुंकु प्रधानमंत्री मोदी देले श्रद्धांजलि। सिंजोंकु सबुबेले मने पकाइबो भारत। सिंजो आबेंक सहित घनिष्ठ बंधुत्वकु मने पकाइ भाव विहळ हेले मोदी। आज भारत की जनता अबे शान को बहुत याद करती है, जापान को बहुत याद करती है। टोकियो रे सिंजो आबेंक राजकीय अंतिम संस्कार। जोग देले 100 देशर राजनेता एवं प्रतिनिधि। भारत को खूब भल पाउथिले सिंजो आबे। प्रधानमंत्री मोदी सहित तांकर थिला घनिष्ठ बंधुता। 2021 सिंजो को भारतर द्वितीय सर्वश्रेष्ठ बेसामरिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान करा जायथिला। टोकियो रे सिंजो को अंत्येष्टि क्रिया रे जोग दे भाव विहळ होईछंती प्रधानमंत्री मोदी। विभिन्न राष्ट्र मुख्यंक गहणरे बसी सिंजोंक अंतिम संस्कार कार्यक्रम देखुथिले प्रधानमंत्री। जापान रे पहुंचिबा परे वर्तमानर प्रधानमंत्री फुमियो किशिदांक सह आलोचना समयरे सिंजो आबेंकु भारत सबुबेला पई मने पकाइबो बोली कहिछंती प्रधानमंत्री मोदी। पिछली बार जब मैं आया तब अबे शान से बहुत लंबी बातें हुई थी और कभी सोचा ही नहीं था कि जाने के बाद ऐसी खबर सुनने के नौबत आएगी। अबे शान और उनके साथ आपने विदेश मंत्री के रूप में भी भारत और जापान के संबंधों को नई ऊंचाई पर भी ले गए और बहुत क्षेत्रों में उसका विस्तार भी किया और हमारी दोस्ती ने एक वैश्विक प्रभाव पैदा करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई भारत और जापान की दोस्ती ने। और इन सब के लिए आज भारत की जनता अबे शान को बहुत याद करती है, जापान को बहुत याद करती है, भारत एक प्रकार से अबे शान को मिस कर रही है। लेकिन मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारत जापान संबंध और अधिक गहरे होंगे और अधिक ऊंचाइयों को पार करेंगे और हम विश्व में समस्याओं के समाधान में एक उचित भूमिका निभाने के लिए समर्थ बनेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। भारतर प्रधानमंत्री मोदी और परलोकगत सिंजो आबेंकर आदर्श और कार्यधारा मध्यरे थिला अनेक सामंजस्य। पाश्चात्य सभ्यता कबलरु जापान को रक्षा करबाकु चाहुथिले सिंजो आबे। आबे जापानर सभ्यतागत मूल्यबोधर योद्धा थिले, ठीक जेपरी भारतर प्रधानमंत्री मोदी भारतर जातीयता बोध और मूल्यबोध फेराय आणिबा पई काम करुछंती। उभय नेतांक एही समान चिंताधारा सेमानकु बेसी निकटतर करथिला। आबे भारतीय संस्कृति को एपरी भल पाउथिले जे 2015 वाराणसी रे मोदींक सह से गंगा आळती रे भाग नेथिले। 2017 मोदींक सह से गुजरात मध्य गस्त करथिले। सिंजो आबेंक अंतिम संस्कार रे 20 अधिक राष्ट्राध्यक्ष और सरकार समेत प्राय 100 अधिक देशर प्रतिनिधि सामिल होइछंती। सूचना योग्य जापान को सुदीर्घ काल शासन करथिबा पूर्वतन प्रधानमंत्री सिंजो आबेंकर गत जुलाई 8 तारीख रे एक निर्वाचनी मंच उपरे भाषण देउथिबा बेले जणे आततायी गुलीमाड़ रे मृत्यु होइथिला। ब्युरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज़।